सारे थोड़े खोल दो ना यार, एक झंझट खोल दो ना, सारे का खुली सर सर लाइट चल रहा है, बंद करना भी लाइट। आपके चैनल्स ने भी हमारा जो एक वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश का, जिसमें हमारे एसपीओस भाइयों की बात है, जिसमें आप सभी ने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पे कि हमारा एक एसपीओ भाई शहीद हो गया था, अल्ताफ हुसैन जी, अल्ताफ अहमद जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम चडूरा का रहने वाला था, खैरीकुंड का। मैं उनके घर में जब पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी बुरी हालत मैंने आज तक किसी भी इलाके की और किसी भी इंसान की नहीं देखी होगी। वो एकमात्र सहारा था उस परिवार का जो एक एसपीओज की नौकरी कर रहा था और उसको 3 और 4 साल हुए थे, जिस उन्होंने उनके लोगों का कहना था कि उनके जो पेरेंट्स के साथ जब मिला मैं, उन्होंने ये कहा कि जब से ये मुलाजम लगा था यानी एसपीओ लगा था, तब से हमने थोड़ा घर में अपने आप घर का सुधार किया था, जिसमें उसके 2 भाई हैं और 1 बहन है, पेशेंट है, फादर उसका बुज़ुर्ग है, और सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने वहां से ही जो हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया हैं उनसे गुजारिश की कि एक तो जो एक्सपीडिशन रिलीफ वहां पर दी जाती है उनको लगभग एसपीओज के लिए उन्होंने 5 लाख के करीब रखा है, पहले 1.25 लाख था, अब बढ़ा के 5 लाख किया है। हमने वो गवर्नमेंट से अपील की कि उसको एक्सग्रेशन रिलीफ भी दी जाए और साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी, और उसकी एक बहन भी है जिसमें सोशल वेलफेयर की तरफ से जो मुनासिब शादी वगैरह के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत पैसा दिया जाता है वो भी दिया जाए, और साथ में हमने भी कोशिश जारी रखी है कि जो कहीं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो मदद करती है, हमने भी अपने तरफ से जो हमसे मुनासिब हो सका हमने भी मदद की, और आगे भी हम कोशिश जारी रखेंगे उनको हेल्प करने की। और पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ मैं चला गया तो वहाँ पर मैंने देखा, एक तो बहुत बड़ी ट्रेजडी उन लोगों के साथ हुई है। मैं जम्मू कश्मीर के लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया है मैंने कंप्लीट, हज़ारों की तादाद में लोग हजूम की शक्ल में वहाँ पर आए, वो मेरे से मिले, मेरा स्वागत किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक सेवा सिंह बाली ज़िंदा है तब तक आप लोगों की जो जिस तरीके से आपने मेरे ऊपर निगाहें बनाई है, मेरे ऊपर उम्मीदें रखी है, मैं दिन रात एक करके आप लोगों के मसले जो है उनको हल करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप जानते हैं कल ही परसों शाम को मैं जम्मू पहुंचा 7 दिन का दौरा करने के बाद, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में करने के बाद ही मैं दिल्ली आ गया था, और कल 5 बजे दिल्ली पहुंच गया था, और आज अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मैं था, और जम्मू कश्मीर की जो हालात हमने बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया वहाँ पर एक नई बात सुनने में आई, जिसमें हमने पिछली बार प्रोटेस्ट किया था कि जो डिसंगेज एसपीओज हैं उनको बहाल कर दिया जाए, और पिछली बार जब हमने हमारे जो होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रहलाद मोदी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजेस सड़कों पर हैं, और उन्होंने ये कहा था, और मैंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं एसपीओज का मुद्दा लेके, अगर हम आपके पास उम्मीद लेके आए हैं कि आप इसमें कोई संज्ञान लेंगे, उनका ये कहना था कि आप एसपीओज के बारे में जाइए, क्योंकि आपको एसपीओज के बारे में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने लापरवाही बरती है, इसलिए अब कानून ही उनको सीधा कर सकती है, इसलिए समर्थन दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, हमारा भी समर्थन आपके साथ है। आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहे तो कहाँ आपकी डीजी से मुलाकात हुई, उन सारी समस्याओं से आपने उनको अवगत कराया डीजी साहब को? डीजी साहब से तो मैं मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में ही करूँगा, हमने 6 और 7 साल से हमने कहीं अपने जूतों के एड़ियां रगड़ रगड़ दी वहां पर जा जाके, और डीजी साहब की बात तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में जो भी इंतजामिया है एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं, मैंने बार बार कहा है वो एज ए टूरिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं,
उनको लोगों के साथ लेना देना कोई नहीं है, जिसमें आपके थी कि मैंने जब प्रहलाद मोदी साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा था सर जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स जो कहीं कहीं साल नौकरी करने के बाद आज भी सड़कों पर हैं, और मैं जब बजट चल रहा था पिछली बार मैं आया था, मैंने 14 MPs की मदद ली थी, उनके पास में गया था, मैंने उनसे गुजारिश की थी कम से कम जम्मू कश्मीर में जो 90% डेली वेजर्स यानी छोटे तबके के लोग हैं उनकी बात कीजिए, और मैं हमेशा हर एक के लिए लड़ने को, और मैंने ये भी कसम खाई है कि जहां भी नाइंसाफी होगी वहां सेवा सिंह बाली आपको जरूर खड़ा मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं आज पहला मेरा दूसरा दौरा था जम्मू कश्मीर का, तो इसमें जो कुछ डिसंगेज लड़के मिले उन्होंने कुछ ऐसी कहानियां मुझे सुनाई मैं हैरान रह गया। एक तरफ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, और परसों शाम के लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने की, और मैंने आज अभी सुप्रीम कोर्ट से ही मैंने कोशिश की है, मैंने अपना लेटर भेज दिया है अपॉइंटमेंट के लिए, और मुझे लगता है कि एक दो दिन में मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलेगी सारी जानकारी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दूंगा जम्मू कश्मीर की। वहां पर मैंने देखा कहीं डिसंगेज SPOs हैं, एक तरफ से डिपार्टमेंट ने उनका केस रिकमेंड किया है पुलिस हेडक्वार्टर के लिए साइटेशन केस बना के कि इनको कांस्टेबल कंफर्म कर दीजिए, दूसरी तरफ से किसी बड़े आदमी का फोन आया है उनको तो उनको निकाल के तो दूसरे आदमी को लगा दिया गया है। वो लेटर उन्होंने दिए जो डिपार्टमेंट एक रिकमेंड करता है, या जैसे मेरे लिए एक रिकमेंडेशन जाती है कि इसको कांस्टेबल बना दो, और दूसरी तरफ से उनको डिसंगेज कर दिया गया है। बहुत सारे केसेस ऐसे मिले, बहुत सारे लड़के ऐसे मिले जिनको मिलिटेंट्स ने कंधे पर गन रखी और उनको बोला कि अगर आप सर्विस करोगे SPO बतौर SPO नौकरी करोगे तो आपके परिवार को मार देंगे और आपको भी मार देंगे। उसमें डिपार्टमेंट को चाहे था उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उनके बदले उनको डिसंगेज कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने पलड़ा ही झाड़ दिया जो देश की सेवा करने के लिए हम सब की सेवा करने के लिए हाजिर हैं, और उनको वहां पर डिसंगेज करके घर बिठा दिया जाता है कि आप अपने रहम पर अपने आप से खुद लड़ो। तो ये सबसे बड़ा जुल्म है जम्मू कश्मीर के अंदर। सेवा सिंह बाली जी एक चीज, आप आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई कब होनी है, ये तमाम जरा बातें बता दीजिए। बार वादा किया था कि हो सकता है मार्च के पहले वीक में सुनवाई हो सकती है, और वादा देखिए मैं आपको बता दूंगा कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कोई छोटा इदारा नहीं है, ये कोई सेशन, ये म्यूनिसिपल कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, पूरे देश की केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं, और जो वादा हम करते हैं, जो हम बालते हैं वही हैं जो करते हैं। मैं अभी निकला हूँ अंदर से, और मुबारक की बात देना चाहूँगा कि हमारी फाइल हेरिंग के लिए वेरिफिकेशन के लिए चलेगी ये अंदर, वेरिफिकेशन के बाद तुरंत डेट आ जाती है और साथ में जजेस के नाम आ जाते हैं जिस जज के पास वो फाइल जा रही है, कल नहीं तो परसों शाम तक हमें डेट और जज साहब के नाम मिल जाएंगे कि किसके पास और किस डेट को लग रही है। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट से एक्सेक्ट और कंफर्म इन्फॉर्मेशन जो मिली है तभी मैं बाहर आया हूँ। मैं अपने काम के ऊपर पूरा मुतमइन हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 35,000 SPOs के लिए, उसमें हमारे तरफ से किसी भी जगह पर कोताही नहीं बरती जाएगी। और मैं जो जम्मू कश्मीर का 7 रोज़ा दौरा था उसमें भी मैं अपने तमाम 35,000 परिवार से मिलने की कोशिश जारी रखी, जिसमें मैं एक दिन भी पूरा घर में नहीं बैठा, क्योंकि मेरा घर जैसे मैंने आपको कहा है कि जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, जम्मू कश्मीर मेरा घर है, रामबन बनिहाल मेरा दिल है, मेरा मजहब जो है इंसानियत है उस चीज़ को मैं आज भी मानता हूँ, और मैंने जो कहा है वो मैं करता हूँ, और मैं जम्मू कश्मीर के तमाम जिसमें SRO 43/376 वो लोग भी हमसे जुड़े, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जनाब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास उनकी फाइल पड़ी है, 120 लड़कों की फाइल गई थी जिसमें DG साहब ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने, JID डिपार्टमेंट ने कन्फर्म पूरा मतलब वेरिफिकेशन जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो करके
चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिए थी फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए। उसमें से 50 लड़कों के उन्होंने ऑर्डर कर दिए, उन लड़कों के किए जिनका कोई असल रसूख यानी बड़े बाप के बेटे होंगे उनका ऑर्डर हो गया। बाकी जो गरीब मेरे जैसे गरीब जो लड़के हैं आज भी वो सड़कों पर है, रोज प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए मैंने अब टाइम लिया होम मिनिस्टर साहब से। मैं कोशिश करूंगा ये सारे मुद्दे जो हमारे कश्मीर में 90% डेली वेजर्स जिनको बार बार कहा जाता है कल आपकी मीटिंग होगी परसों आपकी मीटिंग होगी, ये बातें मेरी प्रहलाद मोदी साहब से हुई थी। अब मुझे उम्मीद है अगर जम्मू कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफी जारी रही तो उनको ये भी हम अदालत अदालिया का दरवाज़ा खटखाने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर हमने पहले भी उनकी पिटीशन डालनी थी, प्रहलाद मोदी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था कि जो डेली वेजर्स वगैरह हैं उनके लिए हम एक बार सरकार से ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आप एसपीओज का मुद्दा ले जाइए, क्योंकि एसपीओज के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लिख दिया था दो बार, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने काम नहीं किया, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस केस को कड़े संज्ञान में लिया और उन्होंने हमें यह भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी आपके साथ कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के भाई के वर्ड्स हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन कैमरा हैं, चैनल्स पर चली हुई बातें हैं। कोई बयानबाजी, कोई लीडरशिप, कोई वोट बैंक, कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। मुझे कोई राजनेता बनने की जरूरत नहीं है और उन लीडरों को खबरदार करना चाहूंगा जो जम्मू कश्मीर को 70 साल से गुमराह कर रहे हैं। तो सर अब एसपीओस को खुशखबरी कब तक मिल सकते हैं, इस महीने मिल सकते हैं खुशखबरी यानी पहली हेयरिंग की? मिलने की बात नहीं, जो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, आप एक नेशनल चैनल के रिपोर्टर हैं, आप सभी सीनियर मीडिया रिपोर्टर हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं फाइल अंदर वेरिफिकेशन के लिए चली गई है, जो मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन, क्योंकि आई एम नॉट एडवोकेट, मैं भी एक पिटिशनर हूँ, मैं एज ए पिटिशनर आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे जो वकील साहिबान से बात हुई कल, मैं प्रोफेसर साहब से जम्मू में मिला, वहाँ से भी वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उनकी मौजूदगी में दी, अभी यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे 4 वकील मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, अभी तक मैं अंदर से अभी निकला हूँ और आपने पकड़ लिया। आप पहले ही आए होते हैं और ऊपर से फिर मुझे सवाल पूछते हो और ऊपर से तंग करते हो। आपको मैंने बार बार बोल दिया कि जो भी हम बोलते हैं, जो करते हैं, जो होता है वही बोलते हैं, उसके बाद भी आप सवाल पूछते हो। अभी मैंने आपको जब बोल दिया कि अंदर से मुझे यह जानकारी मिली कि फाइल वेरिफिकेशन के लिए चली गई, कल और परसों शाम तक जो जिस जज साहिबान के पास लगेगी उन जज साहिबान का नाम और डेट मिल जाएगी और परसों शाम को फिर यहीं से आपको एग्जैक्ट डेट दे दूंगा। सेवा सिंह बाली जी, आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे हैं, वहाँ पे कई समस्या आपने देखी हैं, डेली वेजेस की बात करूँ, बीडीसी की बात करूँ और होम गार्ड की बात करूँ, क्या इनके केस भी आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सभी केस सुप्रीम कोर्ट में लेने की जरूरत नहीं है, जो केस सुप्रीम कोर्ट में और डेली वेजर की बात, जब तक मैं प्रहलाद मोदी साहब से दोबारा मिलने जा रहा हूँ एक आधे दिन में, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स अब सड़कों पे ज्यादा देर नहीं रहेंगे। होमगार्ड की बात जो है उनका टेम्पररी सिस्टम था यहाँ से, जब तक होमगार्ड के सभी लोग हमसे रबते में नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को कहीं मिसगाइड किया जाता है, हम मिसगाइड करने की राजनीति नहीं करते हैं, हम जिस चीज के लिए लड़ते हैं हमारी खुली किताब होती है, हमारे ऊपर कई बार लोग उंगलियां उठाते हैं, कई लोग कई बातें करते हैं, उस चीज से हम हट के काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा काम करने का तरीका है वो खुली किताब की तरह है, हमें कोई नेता बनने की जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त भी एक पंच भी नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट वार्ड मेंबर, इलेक्टेड वार्ड मेंबर, मैं सिंपल एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ और जो मुझे आयन हिंद यानी एक हिंदुस्तानी होने के नाते जो मुझे अधिकार है अपनी आवाज बुलंद करने का, मैं एक आम शहरी की हैसियत से पूरे देश में जाने वाला हूँ, जाता रहूंगा और जाऊंगा, जहां भी नाइंसाफी होगी वहां जाके एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते जहां भी जुल्म होगा उस जुल्म को खत्म करने के लिए आवाज बुलंद करूंगा और हिंदुस्तान में अमन भाईचारा, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने के लिए जो मेरे से हो सकेगा वो मैं मुमकिन कोशिश करूंगा। लोग कितना और इंतजार करें इस डेट का, कितना और इंतजार?
लोग जनाब क्यों क्यों आई एम नेशनल जनरल सेक्रेटरी सर। हाँ बिल्कुल ये इधर है, हम अलाउ है यहाँ में दो मिनट बात कर रहे हैं। सारे लाइव चल रहे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। हाँ नहीं बात नहीं कर सकते हैं, हमें भी पता, हम भी कानून जानते हैं सर। ठीक है सर, मैं कहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों को, पूरे देश के लोगों को ज़्यादा देर इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही हमें अंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम शेयर करते हैं, तमाम लोगों को बताते हैं। और ये बता दिया कि कल शाम को हमें हेयरिंग के डेट जो मिलेगी, उसके बाद जब हेयरिंग हो जाएगी तो उसमें सारा सामने आ जाएगा कि अगली हेयरिंग कब होगी। यही कहना चाहूँगा, तमाम जितने भी लोग हमें सुनते हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।